केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। योजना के तहत कम प्रीमियम पर एक व्यापक फसल जोखिम बीमा किया जाता है। कुरुक्षेत्र के कृषि उपनिदेशक डॉक्टर प्रदीप मील ने बताया कि जिले में 6,000 किसानों को 5 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत नुकसान का कवरेज बढ़ने और जोखिम कम होने से अनेक किसानों को लाभ मिला है। 33,000 किसानों ने अपना फसल का बीमा करवाया था और उसमें से जो किसानों ने अपनी इंटीमेशन दी जिसकी वजह से फसल खराब हुई या एवरेज यील्ड के बेसिस पे 4634 फार्मर को 7 करोड़ के करीब बेनिफिट मिला है। इसी तरह रबी 2019-20 में 34,000 फार्मर ने बीमा करवाया था और उनको भी यील्ड के बेसिस पे जो लॉस हुआ है जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट डिपार्टमेंट और कंपनी और किसानों ने मिलके किए हैं उसके बेस पर 6,000 फार्मर को बेनिफिट दिया गया है लगभग 5 करोड़ रुपए का। लाभार्थी किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनके नुकसान की भरपाई हो जाती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की इस योजना का उन्हें बहुत लाभ हुआ है जिसके लिए वे सरकार का धन्यवाद करते हैं। कारण मेरी गेहूं की फसल खराब हो गई थी, उसके बाद मैंने तुरंत अगले दिन फार्म भरा था फसल बीमा योजना के तहत। तो जब उसका सर्वे हुआ उसके बाद ADO साहब आए हमारे, उन्होंने सर्वे किया, बाद में मेरे को 55,000 मिला है उसमें जो मेरा खराबा हुआ है उसमें फसल का। तो ये योजना बहुत बढ़िया है, सभी किसानों को करवाना चाहिए। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत करवाया था, उसके अंदर मेरा क्लेम 16,000 रुपये का आया है और ये बहुत अच्छी स्कीम है किसानों के लिए। इसके लिए मैं सरकार का और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूँ। मेरा 33,334 रुपये क्लेम है, ये गेहूं का है सर। और डर गया था कि जिस टाइम मेरी फसल खराब हुई थी कि मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाया था जिससे कि मेरा नुकसान हो गया था और मुझे इसका क्लेम मिला है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हरियाणा सरकार का।